नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, जैसा कि आप सभी से हमेशा ही रिक्वेस्ट किया जाता है कि कोई भी कार खरीदते समय उसकी बिल्ड क्वालिटी जरूर देखें या ग्लोबल एंड कैप क्रैश टेस्ट रेटिंग से जरूर देखें, क्योंकि गाड़ियों में किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। हालांकि उसी के साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि आपके पास गाड़ी चाहे कितनी भी मजबूत 4-5 स्टार वाली क्यों ना हो, उसे थोड़ा कंट्रोल में रख कर ही चलाएं, क्योंकि कोई भी रेटिंग्स और मजबूती तेज रफ्तार में बिल्कुल भी काम नहीं आती है। और ये चीज़ आए दिन आप सभी देखते होंगे। आज जो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का है, जिसे उत्तर प्रदेश से मिस्टर दीपांशु जी ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रात में करीब 1 बजे के आसपास ब्रेजा से 2 लोग शॉपिंग करके मेरठ से वापस लौट रहे थे, तभी मवाना के पास उनकी कार अनकंट्रोल हो गई और रोड के साइड में लगे पेड़ से लड़ गई। गाड़ी एग्जैक्टली किस वजह से अनकंट्रोल हुई वो नहीं पता चल पाया, लेकिन बताया जा रहा कि इसकी स्पीड ज्यादा थी। और ये चीज फोटोज को देखकर भी आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि टक्कर के बाद इसका बहुत ही भयानक हाल हो गया है। यह इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि एसयूवी का राइट टॉप बैक फ्रंट लगभग पूरा ही खत्म हो गया। इसके अलावा गाड़ी का इंजन भी निकलकर कुछ दूर चला गया था। अंदर बैठे लोगों की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इसमें दोनों पैसेंजर्स की डेथ हो गई। तो भाई, यहाँ हो सकता है कार के सामने अचानक कुछ आ गया हो जिसे बचाते वक्त कंट्रोल खोया हो, हालांकि फिर भी स्पीड का ही इसमें सबसे बड़ा हाथ है। थोड़े से जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जिंदगी खत्म मत करें, हमेशा गाड़ी रोड लिमिट के हिसाब से ही चलाएं।